बांदा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर बचाव कार्य को लेकर मार्क ड्रिल केन नदी पर की गई। एडीएम व एनडीआरएफ तथा बाढ़ सुरक्षा बचाव सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर अचानक बाढ़ आ जाने पर लोग कैसे अपना बचाव करें, इसको लेकर जागरूक किया गया। मार्क ड्रिल करते समय सुरक्षा व्यवस्था व एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद रहीं। जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी मार्क ड्रिल के दौरान मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई। प्रशासन के दिशा निर्देश के क्रम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर जिला प्रशासन चौकियां बनाएगा, जहां किसी भी डूबने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जाए, मार्क ड्रिल में प्रशिक्षण दिया गया। मटौंद थाना क्षेत्र के भूरागढ़ इलाके में बाढ़ आने पर लोगों को प्रशासन सूचित करेगा। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी चौकियां एवं इलाज के लिए व्यवस्थाएं की हैं। शासन के निर्देश के क्रम में आज जनपद में मार्क ड्रिल हो रहा है कि अगर बाढ़ आती है जनपद में तो बचाव कार्य कैसे किया जाएगा। उसके संबंध में आरती के नदी किनारे आरती स्थल चिन्हित किया गया है, जहां इस बात की मार्क ड्रिल की जाएगी अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सके। तो यहां सभी विभागों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ मेडिकल का एम्बुलेंस है, मेडिकल विभाग से आपदा विशेषज्ञ हैं, तहसील से टीम है और पशुपालन विभाग की टीम है, सिंचाई विभाग की, और बचाव सारे उपकरण यहाँ लगे हुए हैं। और लोग मार्क ड्रिल के रूप में जिसको बचाएंगे उसके लिए स्ट्रेचर है, उसको अगर ज़रूरत होगी CPR देके उसको जो नियरेस्ट हमारा शिविर बना हुआ है वहाँ ले जाके जहाँ अस्थायी हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट कराया जाएगा। इसके उपरांत ये जो भूरागढ़ गाँव है, इस गाँव में बाढ़ के दौरान अगर बाढ़ आती है तो गांव को कैसे खाली कराया जाएगा, इसका रिहर्सल होगा। गांव में सूचना दी जाएगी लाउड स्पीकर से कि बाढ़ आने वाली है, आ गई है, आप लोग तत्काल अपना घर छोड़ के ऊँचे स्थानों पे या जहां हमारा शिविर बना है वहां चले जाएं। और उसके बाद शिविर में जहां JNPG कॉलेज में जो हमारा राहत कैंप बना है वहाँ लोगों को ले जाया जाएगा और वहाँ उनको प्राथमिक उपचार और खाने पीने की सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें NDRF की टीम आई थी, कितनी आई थी, कहाँ से आई थी? NDRF की टीम पहले आई थी और जो हमारे 63 गांव है जहां बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं उन गांवों में लोगों को उन्होंने जागरूक किया है, ट्रेन किया है कि कैसे बाढ़ आने के समय कैसे बचाव की कार्रवाई की है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।